दोस्तों मेरे सामने ना एक होंडा की एसपी है, गाड़ी के अंदर जो है ना बैटरी डाउन करने की प्रॉब्लम आ रही है। गाड़ी को पूरे दिन चलाने के बाद जैसे ही रात में इसको खड़ा करते हैं और सुबह को जब सेल्फ लेते हैं तो गाड़ी का बैटरी एकदम डाउन निकलता है। कई बार भैया ने ये बैटरी को चेंज कराया, अभी ये मेरे गैराज पे आई है सर्विस के लिए, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई तो उसका सलूशन अभी आपको बताते चलेंगे। और हमने कई वीडियो में बताया है कि जब भी अगर बैटरी डाउन की प्रॉब्लम आती है तो कहाँ से आती है वो आपको बताते चलेंगे। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है जो बैटरी डाउन करने के लिए, मैंने आपको कई बार बताया रहेगा, जब भी गाड़ी के अंदर डिजिटल मीटर रहता है, जिस गाड़ी के अंदर डिजिटल मीटर काम करता है ना, तो उसका एक वायर सीधा इसके डिजिटल मीटर से डायरेक्ट कनेक्शन देता है, ना ही वो चाबी से उससे बंद होता है, कुछ भी नहीं होता है। आप गाड़ी की चाबी निकाल के रखिएगा या कुछ भी करिएगा, लेकिन वहाँ पे उसके एक वायर पे सप्लाई जाती रहती है। अब क्या देखा गया, जब इस गाड़ी को लाया गया तो सबसे पहले हमने इसको समझने के लिए, क्योंकि गाड़ी की बैटरी जब भी डाउन होगी ना, यहाँ कहीं से इसका ब्रेक स्विच या फिर कभी कभार ब्रेक स्विच भी शॉर्ट हो सकता है, उससे भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बट यहाँ कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कभी कभी गाड़ी के अंदर या तो फ्यूल मीटर से जो तीन वायर की मदद से काम करता है, या तो उससे शॉर्टेज की प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो स्प्लेंडर हो या प्लेटिना रहे, वो कोई भी रहे, जिसके अंदर एनालॉग मीटर रहेगा तब उसके अंदर अगर बैटरी डाउन की शिकायत आ रही है ना, तो उसके पेट्रोल वाले मीटर से रह सकती है, क्योंकि वो तीन वायर से काम करता है, वो भी आपकी बैटरी डाउन करने में हो सकता है कि वो प्रॉब्लम करता हो। एक आध गाड़ी में हमने ऐसा करा है, बट इस गाड़ी के अंदर जब भी गाड़ी की बैटरी डाउन होती है ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डिजिटल मीटर के अंदर आती है। जिन गाड़ी के अंदर डिजिटल मीटर रहता है, पैशन प्रो वगैरह, जितने भी पल्सर हो या फिर अपाचे हो या कोई भी रहे, जिस गाड़ी के अंदर डिजिटल मीटर रहेगा उस गाड़ी के अंदर ज्यादा बैटरी डाउन की प्रॉब्लम आती है। अब आपको दिखाते चलते हैं, जैसे ही गाड़ी हमारे पास आई ना, हमने क्या किया, सबसे पहले इसकी बैटरी को चार्ज किया, लगाया गया, उसके बाद यहाँ से इसका डिजिटल मीटर, जो इसका मीटर का कपलर रहेगा ना, इसको हमने एक टाइम के लिए, कुछ समय के लिए इसको खोल के रखा और मल्टीमीटर को बैटरी पे ऐड किया, तो यहाँ से फिर रीडिंग घटना कम हो गई। तो इससे हमने समझा कि गाड़ी के अंदर कहीं ना इसके मीटर में शॉर्टिंग है। अब शॉर्टिंग कैसे है, बैटरी कैसे डाउन होती है, वो आपको बताते चलेंगे। इसका चाबी स्विच है ना, अभी ऑन किया है, ऑफ कर लिया, ऑफ करने के बाद चाबी यहाँ पे रखेंगे, आपको दिखाते चलेंगे। कपलर को ओपन किए हैं, आपको बताते चलेंगे। अब आपको समझ नहीं है, जब चाबी स्विच ऑफ है और चाबी यहाँ रखी है, तो फिर यहाँ पे तो करंट आना ही नहीं चाहिए। हॉर्न वगैरह जब कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ चाबी स्विच ऑफ होने के बाद भी करंट आएगा। अगर इस तरीके से करंट आएगा और मीटर में आपके शॉर्टिंग रहेगा ना, उस टाइम में आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन होना तय है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट करंट आ रहा है। सेम आपको दिखाते चलेंगे, यहाँ से कपलर को इस तरीके से पकड़िएगा। पैशन प्रो वगैरह का सिर्फ आपको ऐसी देखने के लिए मिलेगा, ऐसी कनेक्शन आपको सारे ऐसी देखने को मिलेंगे, मैंने कई वीडियो में आपको बताया रहेगा। अब चाबी स्विच ऑफ है, चाबी यहाँ पे रखा रहेगा। सबसे पहले इसके एक कपलर में वायर को अटैच किए, बल्ब को देख सकते हैं, थोड़ा नीचे करिएगा। टेस्टिंग लैंप, चाबी स्विच अभी ऑफ है, जैसे ही यहाँ से हटा रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, अब चाबी स्विच ऑफ है, फिर भी करंट आ रहा है। तो इससे ये पता चलता है ना, जब भी कोई काम करते हैं ना, ज्यादा मगजमारी वाला कोई काम करते नहीं है, दो मिनट में प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है, तब जब आपको पता रहेगा। अब गाड़ी के अंदर ना ही तो हमने RR यूनिट चेक किया, ना इसका CDI, ना ब्रेक स्विच, कुछ भी चेक नहीं। जब भी गाड़ी डिजिटल मीटर रहेगा, अगर बैटरी डाउन की शिकायत रहेगी, तो यहीं से प्रॉब्लम होगी। अभी आपको दिखाया कि चाबी स्विच ऑफ होने के बाद भी यहाँ पे करंट आ रहा है, आपको एक बार फिर से दिखाते चलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, टेस्टिंग लैंप यहाँ पे जल रहा है और चाबी स्विच ऑफ है, और चाबी यहाँ पे रखा हुआ है। तो जब आपका ये कपलर ऐसे लगा रहता था, तो ये बैटरी को पूरी तरीके से डाउन करता था। इस डिजिटल मीटर के अंदर IC, डाइबोर्ड, कंडेंसर, ऐसे कई ऐसे फंक्शन दिए हैं। एक तरीके से पूरा डाइबोर्ड सिस्टम, पूरा प्लेट तैयार रहता है, जैसे इन्वर्टर वगैरह की इसकी सीट रहती है या मोबाइल की पूरी सीट रहती है। तो कई ऐसे पुरजे डाइबोर्ड या IC वगैरह शॉर्ट होने से गाड़ी के अंदर बैटरी डाउन की प्रॉब्लम आने लगती है। अब गाड़ी के अंदर जो फालतू के सिस्टम दिए हैं, स्कूटी वगैरह है, जैसे अलग से चार्जर दे दिया है, डिग्गी के अंदर लाइट वगैरह दे रखी होती है, तो और इससे भी प्रॉब्लम आती है कि हो सकता है चार्जर या फिर लाइट कोई शॉर्ट रहती है। तो जब भी काम करें ना, तो इन चीज़ को देखते चलिएगा, जो कंपनी ने अलग से कुछ ऐड किया है, जब भी काम करें, बैटरी डाउन की शिकायत आए, तो इसके कपलर को एक बार डिजिटल मीटर को निकाल के दीजिएगा, एक रात खड़ी करिएगा, सुबह को सेल्फ लगा के देखिएगा। कपलर निकाल के खड़ी करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो इसको समझने के लिए जब मैंने बैटरी चार्ज करी और इसको लगाने के बाद ना यहाँ से हटा के रखा, और गाड़ी में जब सुबह को सेल्फ ऐड किए ना, तो एकदम बढ़िया से गाड़ी सेल्फ ले रही है। आपको दिखाते चलते हैं, चाबी लगाते हैं, गाड़ी तो सेल्फ से बढ़िया स्टार्ट है।
आपने देखा हर बार तेल फिर रही है गाड़ी। तो दोस्तों इसको समझने के लिए ना मैंने डिजिटल मीटर का कपलर ही निकाल दिया, तो इसके अंदर ही प्रॉब्लम थी। जब भी जैसे अभी आपको दिखाया चाबी स्विच ऑफ पे भी रेड पे ब्लैक पट्टी में करंट आ रहा है, लेकिन टेस्टिंग लैंप पकड़िएगा एक बार आपको अब दिखाते हैं। अब इसके अंदर चाबी को ऐड किया और चाबी स्विच अभी ऑफ नहीं ऑन नहीं करेंगे, सबसे पहले आपको दूसरे वायर में दिखाते चलते हैं। सिर्फ दो ही वायर में करंट आपको देखने को मिलेगा। अभी क्या है ना चाबी स्विच ऑफ है, ऑन करिएगा, देखा ऑफ करिए ऑन करिएगा, ठीक है बंद कर दीजिएगा। तो जब भी डायरेक्ट करंट बिना चाबी स्विच ऑन करे भी करंट आता है ना, तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए सबसे पहले डिजिटल मीटर के आपको कपलर को निकाल के गाड़ी को कुछ टाइम के लिए खड़ा करना है, फिर आपको प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। जितनी भी यानी कि डिजिटल मीटर गाड़ी रहती हैं उनके मीटर में ही प्रॉब्लम आती है, फिर अलग से LED लाइट लगी रहती है, उसके अंदर भी काफी ऐसे कंपोनेंट लगे होते हैं जो शॉर्ट होने के बाद बैटरी को डिस्चार्ज करने लगते हैं। इस वीडियो को बनाने का मोटिव और मकसद सिर्फ इतना है कि आपको ये बताना था, आपको ये जागरूक करना था कि जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले डिजिटल मीटर के कपलर को निकालिएगा, उसके बाद गाड़ी को रेस्ट पे लगाइएगा और कुछ देर उसको चेक करिएगा, एक आध घंटे या फिर एक आध के रात बाद में आपको प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिएगा, मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा, आई बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, हर दिन एक बेहतर अपडेट लाते रहते हैं।